देहरादून शहर में बिजली के खंभों पर नजरें इनायत कीजिए। यहां आपको हर खंभे में तारों का मकड़ जाल उलझा दिखाई देगा। आपको ये जानकर अचरज होगा कि इन उलझी हुई तारों में ज्यादातर तार केबल के धंधा करने वालों की है। कहीं भारी गुच्छा तो कहीं तारों का हल्का गुच्छा, जो न केवल धुन के दामन पर दाग लगा रहा है बल्कि लोगों की माने तो हादसों का सबब भी बन रहा है। केबल प्रोवाइडर है या आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, बड़ी हाई कॉस्ट लेता है अपने कंज्यूमर से, तो क्यों नहीं उसको भी इम्प्रूव करता है। गलत है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे तरीके से लगाया जाए या अंडरग्राउंड किया जाए। पब्लिक को परेशानी तो होती है, आने वाले जाने वाले हमारी दुकानें हैं, आग लग जाए कल को कौन जिम्मेदार होगा। बिजली के पोलों पर केबल वालों का राज है। विद्युत विभाग ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। केबल का कारोबार करने वालों की तारे जहां महकमे को चिढ़ा रही हैं, वहीं लोगों में डर भी पैदा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि जब कभी ये तारे सड़क पर गिर जाती हैं, तो यातायात के लिए मुसीबत बन जाती हैं। जो शहर की खूबसूरती है ये खराब करती है, और दूसरा अगर गिर जाए किसी के ऊपर, लटकी रहती है, एक दफा लगा देते हैं, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेंटेनेंस होनी चाहिए और ये सब अंडरग्राउंड होना चाहिए। गलत है ये, नहीं होना चाहिए ऐसा, और मैं सोचता हूँ इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए, हटाना चाहिए इसको यहाँ से। ये आम लोगों की जान और माल का खतरा है इसके द्वारा। केबल का धंधा करने वाले बिजली विभाग के पोलों के सहारे चांदी काट रहे हैं, जबकि जनता परेशान है। उधर बिजली विभाग अफसर केबल कारोबारियों पर लगाम कसने की बात तो कर रहे हैं ताकि शहर की सूरत सवारी जा सके। तक इसके बारे में पॉलिसी नहीं थी, अब पॉलिसी आ चुकी है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर बिजली के पोलों से तार लेके जाता है तो उसको एक परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके पोल्स के जितने भी पोल्स का यूटिलाइजेशन करता है, प्रयोग करता है, उन पोल्स के हिसाब पर वो पर पोल उसको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। तो अब हम लोगों ने, हमने अभी अपने सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और सारे जो तार हैं उनको व्यवस्थित करवा कर उनसे पैसे का जो वसूली है वो करने की आवश्यकता है। तो हमने अपने सारे अधिकारियों को इसके ऊपर लगा दिया है। केबल की उलझी हुई तारे शहरवासियों के लिए दिक्कत बनी हुई हैं। बिजली विभाग एक्शन लेने की बात कर रहा है, हालांकि विभाग कब हरकत में आएगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल दून में बिजली के खंभों पर उलझी हुई केबल की तारे जनता को डरा रही हैं। बिजली के पोलों पर उलझे हुए इन तारों से एक ओर शहर पूरा बदरंग हो रहा है, वहीं लगातार इनसे कई बार हादसे हो जाते हैं। बिजली विभाग इन्हें हटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने साथी सुशांत के साथ भानु प्रकाश नेगी, APN देहरादून।